हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग चैनल। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, झक्कास होंगे। सो अभी है हमारा दुबई का सेकंड डे और आज हम जा रहे हैं सिटी टूर करने के लिए, दुबई सिटी टूर करने के लिए। हम कहाँ कहाँ जाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। और कल हम गए थे यॉट पे गए थे ना, ये एक यॉट है और इसका नाम है लॉटस मरीन। और उसमें क्या है कि इसमें ये आपको थ्री आवर्स की आपको एक प्रॉपर एक आपको राइड देती है, जो जिसमें आपको ये मेन चीज़ें दिखाती है। और अभी हम मिडल ऑफ द सी हैं, आप देख सकते हो पीछे ये पूरा सी है। और मैं आपको अभी अंदर का भी दिखाऊंगा, अंदर का कैसे कैसे नहीं है। अभी हम फोटोज़ खींच रहे थे, मेन क्या है कि म्यूज़िक की भी आवाज़ आ रही, तो आई गेस आपको आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, बट स्टिल मैं आपको दिखाता हूँ पूरी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको पूरा दिखाऊँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसी है कैसी नहीं है। यहाँ पे बेसिकली अंदर मेन कोर्स का है, जहाँ पे मेन कोर्स यू कैन हैव इट मेन कोर्स विद योर फैमिली, और आप बैठ के प्रॉपर डाइनिंग कर सकते हो। ये प्रॉपर एरिया और उस साइड पे सारा मेन कोर्स का है। और ये रहे मयंक और अंकित। और मैं आपको ऊपर का दिखाता हूँ व्यू, ऊपर से व्यू कैसा आ रहा है। आपका भाई ऊपर आई गेस डीजे है। गाइज़ हमारे पीछे आप जो देख रहे हो वो है फेमस येरा अटलांटिस, जो एक फेमस स्पॉट है दुबई का। और ये सेवन क्या है, फाइव स्टार है, सेवन स्टार वाला कौन सा करते हो? दो सेवन स्टार मोस्ट एक्सपेंसिव होटल। यू कैन चेक द वाइब। रात को मेन क्या है कि रात को वैसे ही आपको पता है टाइट्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और रात का माहौल है मैं इधर ना, कैसी वाइब लग रही है बता? ये लग रहा है कि हाँ दुबई वाली वाइब है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट या आई कैन से यू कैन मस्ट विजिट हियर, दिस इज द बेस्ट प्लेस। अभी ऊपर ना मेन क्या कि ये जैसे मेन नीचे इस साइड में यहाँ पे है मेन को, अंदर मेन कोर्स का है, बाहर आप बैठ सकते हो, बाहर आप मतलब कि टेबल लगी हुई है, आप मेन कोर्स और यू कैन हैव योर ड्रिंक्स और स्नैक्स। और उसके ऊपर मेन है डीजे फ्लोर है, जहाँ पे आप यू कैन एंजॉय विद योर फ्रेंड्स और फैमिली। और अब मैं आपको ऊपर की वाइब दिखाता हूँ, वाइब
सो गाइस अभी हम हैं दुबई फ्रेम पे, और दुबई फ्रेम क्या है, ये बेसिकली एक फ्रेम है, आपको पीछे दिख रहा होगा, मेरे को अभी धूप के चक्कर में मेरे को दिख नहीं रहा। तो इसमें क्या है कि इसका मेन पर्पज़ क्या है कि दुबई जो फ्रेम है ये एक सेंटर में है, और इसके जो इस साइड है, मतलब कि इस साइड जो भी है ये पूरा एक मतलब ओल्ड दुबई है, और इसके जो बैक साइड में वो न्यू दुबई है। लाइक इसके बीच, इसके उस साइड बुर्ज खलीफा जितने भी जो न्यू बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन हुई है वो उस साइड है। तो इसमें ऊपर भी जाने के, बट हम ऊपर जा नहीं रहे बिकॉज गर्मी इतनी है, धूप इतनी है, आप ऐसे देख सकते हो। और आप, हाँ ये है कि ये वैसे एज सच वो नहीं, बट हाँ फोटोज़ के लिए, मेमरीज के लिए ये एक बेस्ट वो है। तो हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे, अभी हम नेक्स्ट बहुत जगह जाएंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। सो गाइज, ये जो है सामने आप जो देख रहे हो, ये है यहाँ के प्रिंस का मोहम्मद नहीं अल हबाब उल उनका, ये वैसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये उनका पैलेस है। और बेसिकली क्या है यहाँ पे, जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे 7 जगह हैं, हर मतलब कि नॉट इन दुबई, यूएई में 7 जगह हैं जहाँ पे सबके अलग अलग उनके प्रिंस हैं। तो बट फेमस क्या है कि बिकॉज ऑफ टूरिस्ट, ये फेमस ही लोग बाग कहीं भी जाते हैं यूएई में जो आसपास, वो दुबई के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ के जो ये पैलेस है, जबील पैलेस है, तो ये फेमस उस लिए है, तो उनका ये पैलेस है जो टूरिस्ट के लिए एक स्पॉट बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। अब मैं आपको जूम करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत दिख रहा है आई गेस आपको। मेन क्या है कि अंकित थोड़ा सा हमारा सैड हो गया बिकॉज धूप में इसकी आंखें बंद हो रही है, आंख लग रही है कह रहा है, और ये अपना जो वो है आपका शेड्स लाना भूल गया, होटल में भूल गया ना। और सबसे ज्यादा टाइम यही लगाता है रेडी होने में, एक घंटा इतनी देर में दो जने दो बार ही तैयार हो सकते हैं, सबसे ज्यादा टाइम लगाता है और तब भी चीजें भूल गया। ये ऐसा बंदा है, ये अपना पासवर्ड भूल सकता है कहीं भी, ये बोर्डिंग पास भूल सकता है, कहीं भी भूल सकता है, कुछ भी भूल सकता है। हमें इसलिए, हमें हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये वो बंदा है जो सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाता है और इसकी फोटो नहीं खींच पा रही, ये फोटो खींच रही है तो ये कह रहा है मेरी आँख लग रही है, आँख बंद आ रही है। तो चलो कोई नहीं, तो मेरे शीये ले ले, आपका कहाँ चले भैया? मरीन ड्राइव, मरीना क्या, मरीना वॉक। और वहाँ पे क्या है, दुबई हार्बर, मरीना वॉक दुबई हार्बर, जहाँ पे ये स्काई डाइव होती है, जो क्रूज है। अच्छा, ये सब दुबई हार्बर में। अच्छा, मरीना जहाँ पे रात को आपका क्रूज था वो एरिया मरीना में, वहाँ पे रुके थे 10-15 मिनट के लिए फोटोशूट के लिए। ठीक है, अभी हैं हम आपका मरीना में, और यहाँ पे आप पीछे अगर देखोगे तो यहाँ पे सारी स्काई डाइविंग होती है जो आपने देखी होगी, सारी स्काई डाइविंग यहीं पे होती है। पीछे आप नीचे कर सकते हो, ऊपर से देखो बहुत स्काई डाइविंग करके वो आ रहे हैं। मेनली क्या है, इसकी बुकिंग है ना पहले होती है, हमारा वैसे है मन तो है, बट मेन क्या है कि बुकिंग इसकी पहले करानी होती है। और अभी हम सिटी टूर के निकले हैं तो हमने पहले ही डिसाइड, हमारा टाइम शेड्यूल पूरा पैक हो रखा है, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, प्लान करेंगे। बट स्टिल अगर आपको आना है यहाँ पे और आपको स्काई डाइव करना है तो आपको पहले बुकिंग करानी पड़ेगी। आप हमारी तरह गलती मत करना कि आप बुकिंग ना कराओ, यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। और हाँ, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है दिन में ना, गर्मी बहुत ज़्यादा, बट स्टिल ये है कि हाँ ठीक है। सो गाइस, जितना भी आप ये देख रहे हो सारा, ये पूरा ना पाम आइलैंड का एक लास्ट पार्ट है, वैसे तो पाम आइलैंड है, और ये सारा मैन मेड है, ये मतलब कि वर्ल्ड
का लार्जेस्ट आप कह सकते हो सबसे बड़ा आइलैंड है जो मैन मेड है। और आप ये जो देख रहे हो ना क्रैक्स, ये जो आप बड़े बड़े ये पत्थर देख रहे हो यहाँ पे, ये स्टोन्स देख रहे हो, ये ऐसे नहीं है कि ऐसे ही यहाँ पे डाल दिए इन्होंने। इसका रीज़न क्या है कि जो ये इधर जो ये सी है पूरा, सी का जो इनकेस, मतलब कि इन्होंने बहुत फ्यूचर का सोच के इन्होंने ये चीज़ें करी हुई है कि फ्यूचर में अगर कुछ बड़ी मिसहैपनिंग कुछ भी होता है या पानी सी का इनके इस तरफ आता है तो ये जो आप बीच में जो ये गैप देख रहे हो, ये गैप क्या है कि पानी की लहरें को तोड़ के वो एब्जॉर्ब कर लेता है, चीज़ें कर लेता है। तो इन्होंने जो ये आर्ट अटैक जो इन्होंने चीज़ें दिमाग लगाया हुआ है दुबई वालों ने, वो बहुत सोच समझ के चीज़ें करी हुई है ताकि इनके फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। जैसे अगर ये नहीं होता तो या नॉर्मल एक कंक्रीट की दीवार होती समुंदर को रोकने के लिए तो उसमें क्रैक आ जाते। तो इन्होंने पहले ही बड़े बड़े स्टोन यहाँ पे डाले हुए हैं, बहुत दूर तक डाले हुए हैं, आपको वीडियो में ऐसा लग रहा है बहुत दूर तक डाले हुए हैं ताकि वो पानी के जो बड़ी बड़ी वेव्स आएँ या कुछ भी पानी का समुंदर की लहरें आएँ वो इस तरफ आते आते बिल्कुल स्लो हो जाए और पानी अंदर ना आए, ये सारा जो गैप है ये एब्जॉर्ब कर लें या इसके अंदर चले जाए। और ये पाम आइलैंड है, आपका पाम बीच कह सकते हो, पाम आइलैंड कह सकते हो प्रॉपर। तो बस यही है मेन कहना कि बहुत ज़्यादा ना धूप गर्मी हो रही है। अब आपको पता ही दुबई का जो वेदर है दिन में तो बिल्कुल बेहाल करने वाली धूप होती है। अब क्या है कि गर्मी में मेरे कैमरे में पता भी नहीं चल रहा कि कैसा कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। और मैंगो रंग के तो अभी वर्क तो गाड़ी में ही है, वो इसलिए हमको गर्मी लग रही है। वो कह रहे हैं कि भाई हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और मैं आपको सिर्फ आपको दिखाने के लिए चीज़ें कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये पाम आइलैंड, पाम आइलैंड और पाम बीच जो भी है आप कह सकते हो, पाम बीच या पाम आइलैंड, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा मैनमेड आइलैंड है। और आप सोचो कि इसको बनाने में सिर्फ कितना टाइम लगा, इसको बनाने में सिर्फ 5 साल लगे हैं। मतलब इंडिया की बुराई नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि आप देखोगे नॉर्मल मेट्रो स्टेशन या फ्लाईओवर बनाने में इतना टाइम लग जाता है हमारे यहाँ, बट ये पाम आइलैंड पूरा बनाने में इनको 5 साल लगे और वो भी मैनमेड है जो, और वो भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट। और मैंने ये चीज़ देखी है दुबई में, मैंने एक ख़ास चीज़ क्या देखी कि ये लोग है ना चीज़ें करते हैं तो बड़ी करते हैं वरना नहीं करते। लाइक अगर कुछ बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिल्डिंग बनाएंगे, आइलैंड बनाएंगे तो वर्ल्ड के, मतलब करेंगे काम करेंगे तो सबसे बड़ा काम करेंगे, वैसे छोटा मोटा नहीं करेंगे। तो इनका मेन चीज़ यही है कि इन लोगों ने बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज़ें करी हुई हैं। अगर आप देखोगे तो एनवायरनमेंट के हिसाब से दुबई ऐसी कंट्री नहीं है कि आप उसको बोलो कि यार बहुत अच्छा वेदर है या इस बहुत, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत टाइप के सीज़न आते हैं, रेनी सीज़न, स्प्रिंग, यहाँ का वेदर ऐसे ही रहता है दिन में मोस्टली। और ये तो अब तो फिर भी रिलीफ है, आप देखोगे बाद में तो 45 डिग्री 40 प्लस, अभी तो 30 समथिंग है वेदर है जो है, और बाद में इस, ये तो फिर भी रिलीफ है, यहाँ के लोग कह रहे हैं तो फिर भी अब थोड़ा वेदर ठीक है, बट हमें तो इसमें इतनी गर्मी लग रही है। तो देखा जाए तो वेदर के हिसाब से ऐसा कुछ ऐसा है नहीं दुबई में, बट इनकी जो इन्होंने जो दिमाग लगाया हुआ बेसिकली आर्किटेक्ट देख लो इनका, इनकी बिल्डिंग्स देख लो, सब में इन्होंने अपना या तो बहुत भयंकर चीज़ें करी हुई है। मतलब बिल्डिंग देखोगे बुर्ज खलीफा सबसे टॉलेस्ट, पाम आइलैंड, यहाँ पे एक यहीं पे इसका एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा वाटर पार्क भी है। तो आप देखोगे तो चीज़ें बहुत सारी है यहाँ पे और इसलिए यहाँ पे सब आते हैं, चीज़ें अट्रैक्ट होते हैं तक बिकॉज इन्होंने चीज़ें ऐसी करी हुई हैं। तो आई होप आपको वीडियो देख के आपको मज़ा आ रहा होगा। गाइस अब अभी हम हैं बुर्ज अल अरब में और ये दुबई का
सेवन स्टार होटल है जो क्लेम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 24 कैरेट की गोल्ड प्लेटिंग है। इसके अंदर आप देख रहे हो सारा 24 कैरेट गोल्ड के अंदर से, और इस पे हेलीपैड भी है ऊपर, और यहाँ पे दुबई का सबसे बड़ा, इवन नॉट इन और दुबई, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटर पार्क है ये। इसके बाद हम जा रहे हैं आपका टॉप गोल्फ में, जहाँ पे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत रील देखी होगी आपने, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होगी जिसमें वो अनलिमिटेड गोल्फ शॉट मारते हैं। हम वहाँ पे जा रहे हैं, अभी हमारी टैक्सी आ रही है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो आज का दिन हमारा पूरा ऑक्यूपाइड है, बिकॉज इससे पहले हमने यहाँ पे मतलब कि बुर्ज अल अरब पे हमारी स्ट्रीट टूर ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम जा रहे हैं, जो मैंने जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद हमारा है बुर्ज खलीफा का उसके ठीक है। तो आज का दिन हमारा पूरा ऑक्यूपाइड है। सो बट हाँ, कल की तरह इतना हेक्टिक नहीं लग रहा क्योंकि कल थके हुए थे, बट आज थोड़ा फ्रेश है तो चीज़ें कर रहे हैं। सो एंजॉय करो वीडियो और बताना आपको कैसा लग रहा है सिटी टूर।